आज बजट पेश किया जाना है। अब से दो घंटे बाद लगभग 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और उम्मीद भरी नजर तो है, लेकिन जो पॉपुलर बजट यानी कि लोक लुभावन बजट हर बार जिसकी बात जिसकी चर्चा हम करते हैं उसके लिए वित्त मंत्री नहीं जानी जाती है। और ऐसे में सैयद जफर इस्लाम जी से मेरा सवाल भी आगे होगा इसी के बारे में कि जब दो घंटे बाद ये रेड टैब खुलेगा जो डिजिटल इंडिया की पहचान बन चुका है, उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है, वित्त मंत्री का सातवां बजट। लेकिन इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, जिसकी राह और आस लगातार मध्यम वर्ग देखता आया है, तो इस सरकार में क्या उसे ये लाभ मिलेगा? जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त वित्त मंत्रालय से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। फोटो आप कितनी देर में है जितेंद्र? देखिए नेहा, आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर वित्त मंत्रालय के गेट पर फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने रेड टैब के साथ यहाँ पर पहुंचेंगी। साथ ही उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए और ये कहा जा रहा है कि वहाँ करीब 15 से 20 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी। 10 बजे के आसपास का समय है संसद भवन में, संसद भवन पहुंचेंगी और वहां पर भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से किया जाएगा। जो रेड टैबलेट है जिसमें तमाम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। देश की जनता ये सोच रही है कि इस बार जो मिडिल क्लास की जनता है वो ये चाह रही है कि कर में काफी छूट होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो टैक्स है उसको लेकर के भी बदलाव होना चाहिए, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर के काफी उम्मीदें की जा रही हैं। साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 7 जून को अपने भाषण में कहा था कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, जो मध्यम वर्ग है वो देश की रचना में काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में काफी छूट इस वक्त इस बार दी जा सकती है। और अब से थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण यहां से निकलने वाली हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के बाहर जो है वो काफी हलचल इस वक्त बढ़ गई है, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो अब से थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे, निर्मला सीतारमण भी उनके साथ होंगी और वो राष्ट्रपति भवन के लिए सीधे यहां से रवाना होंगी। जी तो सभी को इंतजार है राष्ट्रपति भवन के लिए, यहां से वो रवाना होने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रिकॉर्ड के नजरिए से अगर हम देखें तो जितेंद्र दिलचस्प ये है कि 10 बजट मोरारजी देसाई ने रखे थे, उसके बाद पी चिदम्बरम नंबर 2 पर आते हैं 9 बजट के साथ, 7 बजट पेश करने वाले 2 यशवंत सिन्हा सीधी देशमुख, और उसके बाद ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण बना रही है। पूरे देश की नजर उन पर है, कई कयास लग रहे थे उन्हें वापस वित्त मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो वापस मोदी 3.0 में वित्त मंत्री के तौर पर अपने अगले बजट की तैयारी पेश करने की तैयारी कर रही है और 2 घंटे के आसपास जिसके बाद शुरू हो जाएगा सब कुछ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषण देते हुए उन्होंने जब संबोधन किया मीडिया कर्मियों का, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि मेरी आवाज को 2.5 घंटे तक दबाया गया था, मेरा गला घोटा गया था प्रधानमंत्री के तौर पर जब मैं बोल रहा था लोकसभा में। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अब दल से ऊपर देश के लिए काम कीजिए, लड़ाई खत्म, अब काम शुरू करने का टाइम है, सहयोग दीजिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना है। देखिए पीएम ने क्या कहा। अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है, हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। तो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की चर्चा की थी नेहा, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि देखिए अभी अगर हम देखें तो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर हम 5वें नंबर पर है पूरे विश्व में, यहां से अब कैसे 3रे नंबर पर ले जाना है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, इन सब पर एक दिशा और एक दिशा हम बनते हुए देखेंगे। लेकिन उम्मीदें भी हैं
कई लोग ये कह रहे हैं कि मीठा नहीं होगा इस बार, बहुत ज्यादा कड़वा भी हो सकता है नया। बिल्कुल, और सैयद जफर इस्लाम जी सुबह से फिस्कल प्रूडेंस की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार यहाँ पर जो सभी खास मेहमान हैं वो किस तरीके से अपने अपने पॉइंट्स गिना रहे हैं। बेजोन जी ने यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले जब हम ब्रेक पर जा रहे थे, फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर जिसकी अनदेखी लगातार की जाती रही है, और इस बार तो आपके सहयोगी दल को मिनिस्ट्री दे दी गई है, इसका कितना बड़ा योगदान, ये कितना बड़ा एस्पेक्ट, इतना बड़ा फीचर है इस बार के बजट में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ नेहा जी के और अंजना जी के, इस बार का जो बजट होगा बहुत बैलेंस बजट होगा, जहां पर फोकस रहेगा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। पहली तो बात यह है बहुत बैलेंस बजट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हेडरूम अवेलेबल आज है वो शायद उस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं होता था, और आज जिस तरह के टैक्स पे बॉयंसी है, पूरे कलेक्शन रेवेन्यू रिसिप्ट पे जो बॉयंसी है, और साथ साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें कमी जो है, खर्चा में कमी आई है, तो उससे सरकार के पास थोड़ी ऐसी स्थिति में कि सरकार और भी ज्यादा लोगों के लिए काम करे वो अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कुछ मीठा हो जाए, खासकर आपने टैक्स कट के बारे में बात की, मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जाहिर है सरकार मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा सोचती है, और इसलिए आपने देखे जितने सारे स्कीम है, आयुष्मान स्कीम हो या फिर एमएसएमई को जो सपोर्ट करती है सरकार, उससे सीधा फायदा जो है मिडिल क्लास को होता है। आप फिस्कल प्रूडेंस पर ध्यान जरूर रहेगा, ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, और दुनिया की अगर बहुत सारे रिपोर्ट पड़े तो 2031 तक, ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि अगर इसी तरह से ग्रोथ मोमेंटम रहा तो 2031 तक हम शायद दुनिया के दूसरे नंबर के इकॉनमी बन जाएंगे। अब जफर भाई गुडी 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 बातें कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी हो जाएगा साहब, लेबर क्लास के लिए भी हो जाएगा, किसान के लिए भी हो जाएगा, और यही बात हम हर बार सुनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री से भी सुनते हैं, प्रवक्ताओं से भी सुनते हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल रियलिस्टिकली है नहीं। सबसे पहले तो जो एज एन ऑपोजिशन जो हमारी सबसे बड़ी शिकायत है कि विजन ऑफ द गवर्नमेंट है क्या? क्या आप देश को एक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या आप देश को आत्मनिर्भर समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की तरफ? हमारा यह मानना है कि सरकार की इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसमें 50-50 चलने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री रिफॉर्म्स के भी तो खिलाफ है ना? नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक कैसे बदलाव आएगा? आप सिर्फ, मैं पहले भी आप कंप्लीट करता, 5.4 ट्रिलियन जो है इंडियन रुपीज, ये आपका एनपीए है भारतीय बैंकों का। जब आप बड़े बिजनेसमैनों के कर्जों को माफ करते हैं तब हम एक मिनट नहीं सोचते उस चीज को। और किसानों की सब्सिडी की अगर मैं बात करूंगा, या मैं कहूंगा चार लेबर कोड में हायर एंड फायर को हटा दीजिए, या सबको ईएसआई दो, या चेक करिए कि ये जो छोटे एमएसई, तो आप दोनों चीजें पैरेलल लेकर के नहीं चल सकते। ठीक है, या इट्स वेरी क्लियर, यू कैन नॉट बी आत्मनिर्भर विद स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम 100% एफडीआई। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट हैं, आई डू नॉट नो सरकार दोनों को साथ लेकर